रेंजर्स पंजाब की जानिब से वाघा बॉर्डर पर तामीर किए गए आजादी म्यूजियम के इफ्तिताह के मेहमान खसूसी डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल उमर फारूक बरकी थे। इस मौका पर कमांडर सतलज ब्रिगेडियर आसिम हुसैन गर्देजी समेत आला रेंजर्स हुकाम और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद मौजूद थे। डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल उमर फारूक बरकी ने म्यूजियम का इफ्तिताह किया, जबकि इस मौका पर खसूसी दुआ भी कराई गई। म्यूजियम का नाम नवाए रहबरा रखा गया। उन्होंने कहा कि मनसूबे में 4 हॉल्स हैं, जिनमें पाको हिंद की तारीख, आजादी पाकिस्तान के हीरोज की गैलरी, दौरे बरतानिया की तारीख और वाघा बॉर्डर पर परेड के पसे मंजर को उजागर किया गया। कमांडर सतलज ब्रिगेडियर आसिम हुसैन गर्देजी ने म्यूजियम की अहमियत पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि म्यूजियम का तामीराती काम 9 जनवरी 2016 को शुरू किया गया, जिसकी इमारत का ढांचा अप्रैल में मुकम्मल किया गया। As suggested by Mr. Anwar Maqsood, the museum was named as Azadi Museum Nawai Rehbara. Besides the finances sanctioned by headquarters Pakistan Rangers Punjab, sector headquarters Panjanad Rangers, sector headquarters Desert Rangers and Pakistan Rangers Academy also generously contributed to the national cause. कमांडर सतलज ब्रिगेडियर आसिम हुसैन गर्देजी ने ब्रीफिंग में मजीद बताया कि मंसूबे पर 27 मिलियन रुपए लागत आई है। ये म्यूजियम 23 मार्च को शहरियों के लिए खोला जाएगा, जिस पर किसी किस्म की टिकट नहीं लगाई जाएगी। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ दूर नयाब, लाहौर।